सभी जरूरतमंदों को पेंशन और आवास योजनाओं का लाभ देने की मांग को लेकर गांधी प्रतिमा के पास जमकर नारेबाजी के बाद मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के बैनर तले एक बार फिर सोमवार को बड़ी संख्या में महिलाएं व पुरुष सभी जरूरतमंदों को पेंशन और आवास योजनाओं का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर दुर्ग के गांधी प्रतिमा के पास इकट्ठा होकर जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया, साथ ही पैदल मार्च निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। स्वाभिमान मंच के राजकुमार गुप्ता ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वृद्धजनों, विधवाओं, निराश्रितों, दिव्यांगों आदि के लिए पेंशन की अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में हजारों जरूरतमंदों ने पेंशन के लिए आवेदन जमा किए हैं, किंतु इन्हें पेंशन के लिए इसलिए अपात्र बताकर पेंशन योजना के लाभ से वंचित रखा गया है क्योंकि इनके नाम 2001 की बीपीएल सूची या 2011 के सर्वे सूची में नहीं है। 10 और 20 वर्ष पुरानी सूची का हवाला देकर आज के जरूरतमंदों को लाभ से वंचित करना अनुचित है। शासन द्वारा प्रति माह मात्र 300 रुपए की राशि दी जाती है, वह भी नियमित रूप से नहीं मिल पाती। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1000 करने की घोषणा की थी। राज्य में कांग्रेस की सरकार बने 3 साल से अधिक हो गए हैं, किंतु पेंशन की राशि बढ़ाने का वायदा अभी तक पूरा नहीं किया गया। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों जरूरतमंदों ने नगरीय निकायों और पंचायतों में आवेदन जमा किया है। सूची में उनके नाम भी शामिल है, फिर भी अधिकांशों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोगों को लाभ मिला भी तब किसी को सिर्फ एक किस्त और किसी को 2 किस्त की राशि ही मिल पाई, जिसके कारण उनके आवास पूरे नहीं हो पाए हैं। पूरी राशि मिलने की आस में अनेक लोग कर्ज में डूब गए हैं। इस संबंध में न्यूज टीम को शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। स्वाभिमान मंच की तरफ से हमारे राज्य शासन और केंद्र शासन के आवास योजना और अनेक प्रकार के पेंशन योजना के लाभ जरूरतमंद मिलना चाहिए, ये मुद्दा लेके आए हैं। अभी तक पेंशन के जो आवेदन लगा है हजारों की संख्या में, उम्र पेंशन देखा सिटी नहीं जो पंचायत और नगरी निकाय कि तुम्हारा नाम है 2001 या 2011 की सूची में नहीं सर्वे सूची। हाँ, और कई जन मन के सूची में नाम है वो मतलब भी पेंशन नहीं मिले है। समस्या ये है कि पेंशन 3-3 महीना 6-6 महीने से भी नहीं मिले। हमारे बघेल सरकार है विधानसभा चुनाव समय वादा कर रही थे पेंशन की राशि बढ़ा करके 1000 रुपये महीना कर दो, 300 रुपये मिलते हैं। हमारे कहना है कि तुम्हारा वायदा 3 साल में तुम पूरा नहीं करे तो पेंशन की राशि बढ़ाया जाए, ये भी मुद्दा है। सूची की अनिवार्यता खत्म कर जाए। 2001 की सूची 20 साल पुराना, जो 2001 में सूची बनने के बाद पैदा हुए हो या 20 साल की तो अगर हम सूची में रही है तो ये तो सूची की अनिवार्यता है खत्म कर जाए। और हर साल सूची रहा जैसे चुनाव आयोग मतदाता सूची हर साल जनवरी में नाम जोड़ो घटाओ, ये सूची जो है इसमें भी हर साल सूची अद्यतन करना चाहिए। आवास योजना अभी केंद्र और राज्य की सरकार राजनीति कर रही है। केंद्र सरकार बहुत सारा आवंटित पैसा का राज्य के लिए वापस ले, हजारों की संख्या में आवास के लिए आवेदन है। हमारे कहना है जब आवेदन की संख्या सरकार में मालूम है तो केंद्र और राज्य सरकार संख्या के अनुसार बजट आवंटन करे। 31 दिसंबर में जितना आवास के आवेदन है जो पात्र है वह संख्या के हिसाब से 2x2 लाख इतना बजट होना चाहिए, ये हमारा तमाम मांग। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।